सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के राजन के वन लाइनर प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने सामाजिक अध्ययन के सभी प्रश्नों की बात कर ली है। दो पार्ट में कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी। पिछला वीडियो इसी साइंस का यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम 50 प्रश्न तक राजन की बात कर चुके हैं। पिछले 50 प्रश्न यदि आपने नहीं देखे हैं, साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसी के बाकी बचे सभी प्रश्न। तो आज के वीडियो में सभी प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न आ चुके हैं वो सभी भी आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न आपका कह रहा है श्वेत रुधिराणु यानी कि WBC के कार्य बताइए। तो पहला हो जाएगा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, उसके साथ साथ रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करना। तो जो श्वेत रुधिराणु होती हैं या श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, वो शरीर की जो संक्रामक रोग हैं या बाह्य पदार्थ हैं उनसे रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उनकी कोशिकाओं के रूप में कार्य करती हैं। अगला प्रश्न 52 है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से रक्तालपता रोग यानी कि खून की कमी जो है वो हो जाती है। अगला है 53 प्रश्न कि रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए। तो रुधिर का थक्का बनाने में जो है वो सहायता करता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी कट का निशान लगने पर तुरंत रुधिर जो है निकलने लगता है, रुधिर बहने लगता है, फिर धीरे धीरे जो होता है वहाँ पर जो लेयर होती है एक बन जाती है। यदि रुधिर प्लेटलेट्स की कमी हो या ये अपना कार्य ठीक से ना करे तो वहाँ पर थक्का देर में बनेगा या बनने में जो है और ज़्यादा टाइम लगेगा। और कृत्रिम रूप से यदि बात करें तो फिटकरी का यूज़ भी काफ़ी लोग कर लेते हैं जिससे कि वो जल्दी से जो है वो कार्य करता है यानी कि रुधिर का जो थक्का होता है वो शीघ्रता से बन जाता है। अगला प्रश्न 54 है कि रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, AB, AB और O। अगला प्रश्न 55 जो देख रहे हैं यही मैंने आपसे पिछले वीडियो में जो है वो पूछा था और मैंने आपसे कहा था अगले पार्ट में उत्तर बताऊंगा। 55 प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता तथा किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं? तो सभी लोगों ने उत्तर सही दिया है, सर्वदाता जो है वो रुधिर वर्ग ओ को कहते हैं और सर्वग्राही जो है वो रुधिर वर्ग AB को कहते हैं। अगला प्रश्न 56 है, एंटीजन तथा एंटीबॉडी इसमें अर्थ क्या होता है? एंटीजन की बात करें तो लाल रुधिर कणिका में जो है ये होती हैं और जबकि एंटीबॉडी वो जो है वो प्लाज्मा में पाई जाती हैं। इसके अलावा थोड़ा सा बात करें एंटीजन तथा एंटीबॉडी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीजन के बारे में। तो एंटीजन ऐसे बाहरी तत्व होते हैं जो कि प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है उसको एंटीबॉडी बनाने के लिए कह सकते हैं प्रेरित करते हैं, या एंटीजन बीमारी फैलाने वाले जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और जो फंजाई होते हैं उनमें से कोई भी जो है वो हो सकता है। इसके अलावा जो रक्तदान और वैक्सीन के जरिए शरीर में पहुंचाए गए एंटीजन होते हैं उन्हें हम कृत्रिम एंटीजन कहते हैं। एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन यौगिक हैं जो कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसका एक हिस्सा होते हैं और शरीर को सुरक्षा भी जो है ये प्रदान करते हैं। सबसे सरल एंटीबॉडी प्रतिरक्षी जो है वो वाई आकार का होता है जिसमें चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी शामिल होती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न 57 की, रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं? तो बात करें क्यों कहते हैं, क्योंकि रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन जो है वो नहीं होता है तथा सभी रुधिर वर्गों को ये जो है वो रक्त दे सकता है। तो एंटीजन अभी हमने समझा, उसके आधार पर आप इसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न 58 है, रुधिर वर्ग AB को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है? तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है तथा यह समस्त रुधिर वर्गों से रुधिर ले सकता है। तो दोनों का कारण क्या है कि इसमें कोई एंटीजन जो है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न 59 है, रुधिर का pH कितना होता है? तो रुधिर का pH जो है वो 7.4 होता है जो कि एक क्षारीय विलयन होता है। अगला प्रश्न 60 है, एक वयस्क व्यक्ति में औसतन कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर जो है ये रक्त होता है। अगला है 61, उत्कृष्ट धातुओं के नाम लिखिए। तो गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, मरकरी ये सभी उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न 62 है, धातुओं में सबसे आघात वर्ध जो है वो
कौन सा होता है? तो सोना और चांदी जो है इनमें आघात वर्धनीयता जिसको हम कहते हैं उसका गुण पाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न 63 की। कौन कौन धातु विद्युत धारा के सर्वाधिक चालक हैं, यानी कि विद्युत धारा जो है जिनमें बहुत ही इजी तरीके से जो है वो प्रवाहित हो जाती है? तो चांदी और तांबा जो है ये सही हो जाएगा। अपने ये चीज़ देखी होगी जो बिजली के तार होते हैं तो उसमें तांबा जो है आपको देखने को भी मिलता है, वो विद्युत धारा के सर्वाधिक चालक होते हैं, इस आधार पर आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगला 64 प्रश्न है, मतदान के समय अमिट शाही जो हाथ की अंगुलियों पर लगी होती है उसका नाम बताइए। आपने देखा होगा मतदान के बाद एक स्याही लगाई जाती है, वो कौन सी या कौन सा जो आपका तत्व है वो होता है या यौगिक होता है? तो ये जो है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, नाम ध्यान रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट जो है ये होता है। अगला 65 प्रश्न है, धातु किसे कहते हैं? तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन प्रदान करते हैं वे धातु जो है वो कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं। धातुओं की इसके अलावा बात करें तो इसमें चमकीले का गुण या कह सकते हैं, ये जो सामान्यतः जो धातु होती हैं वो चमकीले या कह सकते हैं प्रत्यास्थ, आघात वर्धनीय, जो अभी हमने ऊपर वर्ड आपको बताया, ये सारे गुण जो हैं उसमें पाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो धातु उष्मा और जो विद्युत हैं उसके अच्छे चालक भी होते हैं। अधातु की बात करें तो ये सामान्यतः इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, चमकहीन होते हैं, यानी कि जस्ट उसके अपोजिट, धातु के जो है वो अपोजिट होते हैं, और विद्युत तथा उष्मा के जो है ये कुचालक भी होते हैं, यानी कि इनमें जो है वो विद्युत जो है वो प्रवाह नहीं हो पाती है। एक आघात वर्धनीय बार बार वर्ड आ रहा है, वो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। आघात वर्धनीय ऊपर भी आया था, यदि आप पता है तो आपको अच्छी बात है। देखिए, किसी पदार्थ को दबाते हैं हम तो क्या होता है, वो दाब के कारण उस पर जो प्रेशर आप लगा रहे हैं उसके कारण क्या होता है, वो फैल जाता है। यदि फैल जा रहा है, उसमें फैलने का गुण है, तो वो आघात वर्धनीयता का कहलाता है। और यदि किसी चीज़ को आप हथौड़े से पीटें या दबाएं तो आसानी से चपटा ना हो या कह सकते हैं फैले ना और टूट जाए, तो वो जो है हमारा आघात वर्धनीयता उसमें गुण नहीं होता है। तो वो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, भंगुरता भी जो हम इसे कहते हैं। अगला प्रश्न 66 है, सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बताइए। तो ये जो है वो लिथियम होता है। अगला 67 प्रश्न है, सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? तो ये जो है वो फ्लोरीन होता है। किसी तत्व को मिट्टी के तेल में रखते हैं तो सोडियम को जो है वो रखते हैं। अगला 69 प्रश्न है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो फ्लोरीन की ही विद्युत ऋणात्मकता भी सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न 70 है, मेंडलीव का आवर्त नियम बताइए। तो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर परमाणु भार जो है आ रहा है, परमाणु क्रमांक जो है वो नहीं आ रहा है। अगला 71 प्रश्न है, अयस्क किसे कहते हैं? तो वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षित किया जा सकता है, वही हमारे अयस्क कहलाते हैं। अलग अलग बहुत से अयस्कों पर भी आधारित जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि एल्यूप्राइट है, उसके दो अयस्क आपसे पूछ लिया जाए, तो क्रायोलाइट और बॉक्साइट होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 72 प्रश्न है, धातु कर्म किसे कहते हैं? तो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में शामिल समस्त प्रक्रमों को धातु कर्म जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न 73 है, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क के किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से जो है वो किया जाता है। अगला 74 प्रश्न देखिए, मैंने आपको बताया, वही आया भी है यहाँ पर, कि तांबा के दो अयस्कों के नाम बताइए। तो क्यूपराइट और कॉपर पाइराइट जो है वो हो जाएगा। अयस्कों से काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा इनको ध्यान में रखिएगा। अगला एल्यूप्राइट के दो अयस्कों के नाम बताइए। तो एल्यूप्राइट के दो अयस्क होते हैं क्रायोलाइट और बॉक्साइड। अगला प्रश्न 76 है, कैल्शियम के तीन अयस्कों के नाम बताइए। तो एस्बेस्टॉस, डोलोमाइट और जिप्सम जो है हो जाएगा। जिप्सम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 77 प्रश्न है, हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? तो हॉर्न सिल्वर जो है वो सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। अगला 78 प्रश्न है, लिथार्ज किसे कहा जाता है? तो लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं, ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। 79 प्रश्न है, सबसे भारी धातु का नाम बताइए। तो ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है। 80 प्रश्न है, सबसे कठोर धातु का नाम बताइए। तो प्लैटिनम जो है वो सबसे कठोर धातु है।
81 प्रश्न है, सुचालक किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं जिनमें विद्युत जो है वो आसानी से प्रवाहित होती है, जैसे कि चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। और कुचालक जो है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिनमें जो है वो आसानी से प्रवाह नहीं होती, या कह सकते हैं नहीं ही होती है। 82 प्रश्न है, सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी जो है वो सबसे अच्छा चालक है, और दूसरे नंबर पर बात करें तो तांबा है, यानी कि चांदी से जो विद्युत प्रवाह होता है सबसे बेहतर तरीके से होता है। अगला प्रश्न 83, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 जो है वो होना चाहिए। अगला प्रश्न 84 है, प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है? तो प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। इसका कोई आकार जो है वो नहीं होता है। अगला 85 प्रश्न, चुंबकत्व क्या है? तो चुंबक का वह गुण जिसके द्वारा वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी को हम चुंबकत्व कहते हैं। सिंपल है, आप जानते भी हैं। चुंबक के सिरों के निकट चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, और क्षेत्र चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो कहलाते हैं। थोड़ा सा जूमआउट कर देते हैं, तो क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं, और चुंबक के ठीक मध्य में जो है वो चुंबकत्व नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि चुंबक के सिरों के निकट चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, और उसके साथ साथ क्षेत्र चुंबक के जो है वो ध्रुव कहलाते हैं, और चुंबक के ठीक मध्य में जो है वो चुंबकत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न 86 है, चुंबक के गुण बताइए। तो पहला गुण हो जाएगा, चुंबक के सिरों के मध्य चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, जबकि ऊपर मैंने बताया कि चुंबक के ठीक मध्य में जो है वो चुंबकत्व नहीं होता है। तो मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है, और सिरों पर जो है वो सबसे अधिक होता है। ये क्षेत्र चुंबक के जो है वो ध्रुव कहलाते हैं। दूसरा है, चुंबक के मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है, जो कि मैंने ऊपर बताया। और तीसरा है, चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चौथा पॉइंट है, चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न 87 है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, उसे जो है वो चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कभी आपने फिजिक्स में इंटर लेवल पर प्रैक्टिकल किया होगा, तो बीच में यहाँ पर एक चुंबक रखवाई जाती है, उसके बाद जो है जो मीटर होता है जिससे कि दिशा नापते हैं, उससे साइड से इस प्रकार जो है वो रेखाएं खिंचवाई जाती थी, जो कि चुंबकीय क्षेत्र को जो है वो प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न 88 है, ओम एम्पियर तथा वोल्ट में क्या संबंध है? तो वोल्ट बराबर एम्पियर गुणे ओम जो है वो होता है। अगला प्रश्न 89 है, आवेश विभवांतर तथा कार्य में संबंध बताइए। तो विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश होता है। अगला प्रश्न 90 है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? इसे पहले आपने पेपर दिया होगा BTC का, वहाँ पर ये प्रश्न आपका आ भी चुका है। मेंडेलीव आवर्त सारणी की बात करें तो उसमें 9 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो यहाँ पर जो है वो गलत लिखा हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी में बात करें तो आवर्तों की संख्या तो 7 होती है, परंतु वर्गों की संख्या जो है वो 18 होती है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि हम सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न इसी टॉपिक से है। आपको ये बताना है कि जो 18 वर्ग होते हैं उसके अंतर्गत कौन सा वर्ग होता है जिसको हम अक्रिय गैसों के रूप में परिभाषित करते हैं, या अक्रिय गैसों में जो है वो कौन सा ग्रुप आ जाएगा। 1 से 18 वर्ग में अक्रिय गैस जो है वो कौन सी होती हैं, आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके उत्तर जो है वो बताना है। उत्तर हम कमेंट सेक्शन में ही जो है आपको दे देंगे, तो सभी लोग ट्राई अवश्य करें। नहीं पता है तो सर्च करके भी अवश्य ट्राई करें। अगला प्रश्न 91 है, मेंडेलीव के आवर्त के कोई 3 दोष बताइए। तो हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में जो है वो रखा गया था। समस्थानिकों के लिए जो है उनमें कोई स्थानी नहीं दिया गया था। समस्थानिक और समभारिक, ये दो वर्ड होते हैं। समभारिक में जो है परमाणु भार समान होते हैं, और परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, और परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। अगला है तीसरा दोष, की समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया था, जैसे कि CU तथा HG, और उसके साथ साथ AG और TI। अगला है 92 प्रश्न, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचता है, उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अगला प्रश्न 93 है, स्थिर विद्युत आवेश जो है वो क्या है? तो बात करें उत्तर की, तो पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर आवेश की मात्रा संचित रहती है, उसी को हम स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं।
आवेश को जो हम क्यू से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 94, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रैंकलिन के आधार पर जो है बांटा गया आवेश को, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। नाम अवश्य आपने सुना होगा धनात्मक ऋणात्मक, परंतु ये जो है वो फ्रैंकलिन के अनुसार प्रकार थे। अगला 95 प्रश्न है, आवेश के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण से आप क्या समझते हैं। तो समान प्रकार के आवेश से प्रतिकर्षण होता है, जैसे कि प्लस एवं प्लस तथा माइनस एवं माइनस। इसी प्रकार विपरीत आवेश के मध्य जो है वो आकर्षण होता है, जैसे कि प्लस एवं माइनस आवेश के मध्य। अब यहाँ से हमारे प्रश्न चालू हो रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो बीटीसी सन 2016 के प्रश्न हम पहले देखेंगे, फिर सन 2017 के प्रश्न देखेंगे, फिर हम सन 2018 के सभी प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न 96 है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएँ बताइए। तो ये समांतर बल रेखाएं हैं, पहली विशेषता हो जाएगी, और ये हमेशा N से S जाती हैं, ये जो है वो दिशा को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा N से S यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। अगला है 97 प्रश्न, एक एम्पियर से क्या तात्पर्य है, लिखिए। बात करें उत्तर की तो एक सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को एक एम्पियर जो है वो कहते हैं, और ये जो एम्पियर है इसका जो नाम है वो विद्युत चुंबकत्व की खोज करने वाले वैज्ञानिक जिनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर, उनके नाम पर जो है वो रखा गया था, आंद्रे मैरी एम्पियर। अगला प्रश्न 98 है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अगला प्रश्न 99 है, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो गुरुत्वीय पृथक्करण जो विधि होती है उसके अंतर्गत जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा है इस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। अलग अलग अशुद्धियों के प्रकार के आधार पर अलग अलग विधियाँ होती हैं, जैसे कि यदि कोई लोहा निर्मित या लोहे उसमें मिले हुए हैं, लोहे से बनी चीज़ें कुछ हैं, तो चुंबकत्व विधि हम वहाँ पर या चुंबकीय पृथक्करण विधि हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसी प्रकार आसवन विधि, बहुत सी प्रकार की विधियाँ अलग अलग होती हैं। अगला प्रश्न 100 है, एड्स का पूरा नाम बताइए। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये जो है वो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने सभी सन 2016 के बीटीसी के प्रश्न देखे, अब यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं बीटीसी सन 2017 के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। 101 प्रश्न है, सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखिए। तो सर्वदाता ओ होता है और सर्वग्राही ए बी होता है, जैसे कि हमने ऊपर आपसे पूछा भी था पिछले वाले पार्ट में। अगला प्रश्न 102 है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अगला 103 प्रश्न, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है, जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। अगला प्रश्न 104 है, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। तो खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है, उसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। और ये प्रश्न आपका पीटीसी के 2017 के पेपर में भी और 2018 के पेपर में भी जो है वो पूछा गया था। अगला प्रश्न है 105, विद्युत के दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो दो सुचालक की बात करें तो सोना एल्यूमिनियम हो जाएगा, और इसके अलावा चांदी भी मैंने ऊपर आपको बताया था, वो भी आप लिख सकते हैं। कुचालक की बात करें तो रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सभी जो है वो आप लिख सकते हैं। ये भी आपका प्रश्न बीटीसी के 17-18 दोनों बार पूछा गया है। 106 प्रश्न है, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया जो है वो क्या है। बात करें उत्तर की तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो लोहे पर जस्ते की पतली परत होती है वो जम जाती है, इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी कि धातु की पतली चादर चढ़ाना, जिससे कि जो आपकी धातु है जिसको आपकी सुरक्षा करनी है उसकी जो है वो सुरक्षा की जा सके जंग लगने से बचने के लिए। बात करें आगे तो घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संरक्षण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न 107 है, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। तो मानव में चार प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, ए बी, ए बी और ओ। प्रतिजन की बात करें तो ए बी दोनों हो जाएगा, और प्रतिरक्षी की बात करें तो ए बी कोई नहीं हो जाएगा।
अगला प्रश्न 108 है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा की बात करें तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 109 प्रश्न है, खनिज तथा अयस्क में क्या अभिप्राय है? तो खनिज की बात करें तो धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं, उदाहरण के लिए NaCl, KCl, CaCO3 हो जाएगा। अयस्क की बात करें तो उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर उनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं, उदाहरण के लिए बॉक्साइड, सिल्वर और कोरंडम, ये सभी जो है आपके अयस्क हैं। अयस्क जो होते हैं वो कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में एक कच्ची धातु होती है, और उससे हमको जो आपको धातु प्राप्त करनी होती है वो हम उससे प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि अभी ऊपर बताया था प्रश्न मैंने कि एलुपराइट के अयस्क क्रायोलाइट बॉक्साइड हो जाएगा, ये कैल्शियम के अयस्क एस्बेस्टॉस डोलोमाइट जिप्सम हो जाएगा, लेड के अयस्क गैलेना एंग्लिसाइट एरुसाइट, ये सारे उसके अयस्क हैं जिससे जो है हम जो अपनी धातु है उसको प्राप्त करते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न पर बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट प्रश्न 110 है, पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो गए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मानव जगत व जीव जंतु सभी जो है वो समाप्त हो जाएंगे, तो मानव जीवन व जंतु जगत समाप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सभी जो है राजन के BTC DLED 4 सेमेस्टर के साइंस के प्रश्न समाप्त होते हैं। सोशल साइंस के हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और उसके साथ साथ बहुविकल्पीय राजन के सभी सब्जेक्ट के हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो यदि इनमें से कोई आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख जरूर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।